इन्फोसिस के क्वार्टर वन 2022-23 के रिजल्ट्स आ गए हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35,146 करोड़ निकल कर आया है, अप बाय 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू ऑफ 28,518 करोड़, अप बाय 6.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्रॉम 32,913 करोड़। इन्फोसिस के एक्सपेंसेस 27,612 करोड़ निकल कर आए हैं, अप बाय 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम एक्सपेंसेस ऑफ 21,342 करोड़, अप बाय 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेंसेस ऑफ 25,370 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,534 करोड़ निकल कर आया है, अप बाय 4.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 7,176 करोड़ अगेंस्ट फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 7,534 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 20.1% निकल कर आया है, डाउन बाय 360 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 23.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड डाउन बाय 140 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 21.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। नेट प्रॉफिट 5,362 करोड़ निकल कर आया है, अप बाय 3% प्रॉफिट ऑफ 5,201 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड डाउन बाय 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट ऑफ 5,695 करोड़। फ्री कैश फ्लो 5,106 करोड़ निकल कर आ रहा है, जिसमें फॉल देखने को मिला है बाय 19.75% ईयर ऑन ईयर बेसिस और फॉल देखने मिला है 11.44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस विच इज नॉट गुड। एट्रिशन रेट 28.4% निकल कर आया है, अप बाय 1,450 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस एट्रिशन रेट ऑफ 13.9% एंड अप बाय 70 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एट्रिशन रेट ऑफ 27.7%। टोटल वर्कफोर्स 3,35,186 एम्प्लॉयज का हो गया है और इस क्वार्टर कंपनी ने 21,171 एम्प्लॉयज को ऐड किया है। ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अप हुआ है बाय 54 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 12.24 टू 12.78। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं क्योंकि इन्फोसिस ने एग्रेसिव हायरिंग की है इस क्वार्टर में और एम्प्लॉयज को बोनस भी दिए हैं, बट अभी भी इन्फोसिस की एट्रिशन रेट में हमें प्रॉब्लम ही देखने को मिल रही है, जो कि सही बात नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी डिक्लाइन हुआ है बाय ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो सही नहीं है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दिक्कत की बात है। प्रॉफिट भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% फॉल है, ये भी एक कंसर्न है। नेक्स्ट दिक्कत है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि बहुत डाउन हुए हैं ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ये एक नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है इन्फोसिस के लिए। पर्सनली देखा जाए तो कंपनी अच्छी है बट रिजल्ट दमदार नहीं है, ऑलमोस्ट एक चैलेंजिंग सिनेरियो से कंपनी गुजर रही है और आने वाले मंथ में वैल्यूएशन और भी गिर सकते हैं। कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस अभी 14-16% का बताया है एंड मार्जिन 20% अप रखा है, विच इज ओनली पॉजिटिव थिंग, बट ये जो टफ सिनेरियो कंपनी के लिए है वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है लोअर लेवल पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल एमटेक स्टॉक एनालिसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 90 डेज की 5th अगस्त से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद एवरीडे लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926773666। थैंक यू फॉर वॉचिंग।